हाल ही में सुप्रिया श्रीनीत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री कहा। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा बीजेपी से बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है। यही नहीं, झूठ फैलाने का काम बीजेपी सरकार के मंत्री करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, और फेक न्यूज के सरगना जितनी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग हैं उनसे बड़े कोई नहीं है। लगातार उनका झूठ पकड़ा जाता है, और हम ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, ये फेक न्यूज है। झूठ फैलाने का काम इस सरकार के मंत्री करते हैं, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में, लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधानमंत्री की एजुकेशन या किसी चीज को लेकर चल रहा है, उसका जो बेडरॉक है, द इशू देयर इज कि वो झूठ बोला गया है। तो किसकी फेक न्यूज की बात करेंगे आप? एक व्यक्ति प्रशांत पटेल है, स्टैंडिंग काउंसिल है गोवा का, भाजपा का सदस्य है। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि आप लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, आप माफी मांगिए, इसके खिलाफ सरकार एक्ट करेगी। और ये जो रूल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को बोल दिया, प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है। और एक ये भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद से आगे बढ़कर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है।